इस दीरोक और रोमेज को लेकर इनके बीच इस बार का क्या प्लान होने वाला रेसलमेनिया के लिए, इस पर दीरोक ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकर ने क्या कहा पर गुंथर और ब्रॉक लेसनर को लेकर, क्या यहाँ पर सच में इनके बीच एक राइवलरी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद क्या सच में यहाँ पर दीरोक का रिटर्न होने वाला या फिर नहीं होने वाला, इस पर यहाँ पर दीरोक ने आखिर क्या कहा उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अगले 2 महीनों के लिए यहाँ रोमेज फुल टाइम रेसलर बनने वाला है, जहाँ स्मैकडाउन और ऑल पेपर व्यू इवेंट को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट एक और यहाँ पर गुड न्यूज है एलेक्सा ब्लेस को लेकर, इनका भी काफी जल्द ही रिटर्न होने वाला है, इन्होंने यहाँ पर टीज कर दिया। उसके बाद इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर जी उसो जहाँ रोमेज को मना लेंगे और यहाँ पर जी उसो का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो गाइस और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दीरोक को लेकर, क्या सच में इनका यहाँ पर रिटर्न होने वाले इस बार के रेसलमेनिया में या फिर नहीं। गाइस अभी बीच में यहाँ पर दीरोक ने खुद ही बता दिया था कि उनका बिजी शेड्यूल की वजह से वहाँ पर दीरोक रेसलमेनिया में नहीं रिटर्न करने वाले हैं। पर यहाँ पर जैसे ही रूमर्स उठने लगा कि यहाँ पर दीरोक का रिटर्न नहीं होने वाला रेसलमेनिया में, तो इस पर इन्होंने काफी बढ़िया जवाब दिया कि कोई भी अफवाह पर विश्वास न करिए, कुछ भी देखने को मिल सकता है, ऐसा दीरोक का कहना है। वैसे गैस आप देख सकते हैं यहाँ पर दीरोक ने खुद मैसेज किया है डोंट बिलीव एनी बुलशिट। उसके बाद गैस नेक्स्ट इस बार के क्राउन ज्वेल में कौन बनेगा यहाँ पर डबल चैंपियन। वैसे गैस डबल चैंपियन बनने के लिए केवल 4 ही रेसलर ऐसे बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं पहले पे ली मॉर्गन है, दूसरे पे नाया जैक है, तीसरे पर गुंथर और चौथे पे कोडी रोड है। वैसे गैस आपका क्या कहना है इनमें से कौन यहाँ पर चैंपियन बनने वाला है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हो जहाँ साथ में बैकी लिंच और सेट्रॉन है, जहाँ वो दोनों साथ में मिलकर वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे गाइस बीच में काफी सारे रूमर्स उठ रहे थे कि यहाँ पर बैकी लिंच का रिटर्न होने वाला, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला अभी तक। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आने वाले सभी मैचेस और सभी यहाँ पर स्मैकडाउन को कवर करने वाले हैं अगले 2 महीने के लिए, पहला तो अक्टूबर और दूसरा नवम्बर। तो गाइस चाहे वो स्मैकडाउन हो या फिर पेपर इवेंट हो, यहाँ पर रामेश सभी को कवर करने वाले हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप ये पिक देख सकते हैं जहाँ सीएम पंक ने खुद यहाँ पर रिवील किया है इस बार जब सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न देखने को मिल रहा था। वैसे आप इनका फोटो देख सकते हो जहाँ बैक स्टेज का था, उन्होंने रिटर्न होने से पहले ये पिक लिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस को लेकर, एलेक्सा ब्लेस से काफी लोगों ने पूछा था कि आखिर उनका कब रिटर्न होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस का ऐसा मान है कि उनका जल्द ही रिटर्न होने वाला है, अभी तक वो अपने कॉन्टेंट को केवल एंजॉय करी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जिमी उसो लगे हैं यहाँ पर रोमेज को मनाने के लिए कि उनके भाई को रिटर्न करने दिए, यानी कि जी उसो को। हालांकि इसको यहाँ पर लेकर रोम ने साफ मना कर दिया था, यहाँ पर किसी का भी रिटर्न नहीं होगा, नो ईद। पर देखते हैं इस बार के स्मैकडाउन में क्या देखने को मिलता है, क्या सच में यहाँ पर जिमी उसो कन्विंस कर लेंगे रोमेज। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सोलो सिकोवा की न्यू टीम है, उन्होंने सारे रेसलरों को यहाँ पर डेब्यू किया था। एक तरफ है टामा लोंगो, उसके बाद जैको फातो भी इनके साथ ही है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये रा का न्यू लोगो है, जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे ऑफिशियली इस बार वेरीफाइड किया है, और ये रा का लोगो स्पेशली यहाँ पर वेरीफाइड किया गया है नेटफ्लिक्स के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बिगेस्ट टॉप 5 रेलवेरिस के बारे में। नंबर 1 पे है रैंडी ऑर्टन, उसके बाद एडम कोपलैंड, उसके बाद नंबर 3 पे है बटिस्टा, उसके बाद नंबर 4 पे है एजी स्टाइल और नंबर 5 पे है यहाँ पर सीएम। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पर जॉन मार्क्सली ने डेनियलसन को हराकर एक बार फिर से AEW न्यू चैंपियनशिप बन चुके हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट कल के मंडे नाइट रॉ पर गुंथर और कोडी रोड का एक बार फिर से रेलवे स्टार्ट होगी, जहाँ दोनों आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ से रेलवे स्टार्ट होने के बाद किसके पास यहाँ पर चैंपियनशिप बेल्ट जाता है, क्या वो कोडी रोड के पास जाएगा या फिर गुंथर के पास। वेल गाइस रिया रिप्ली ने अभी से यहाँ पर रिवील कर दिया कि उनका अगला जो अपोनेंट होने वाले रेसलमेनिया के लिए वो होंगे यहाँ पर बियंका ब्लेयर। वैसे गाइस काफी समय पहले बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली काफी अच्छी दोस्त हुआ करते हैं, पर इनके बीच एक बार फिर से राइवलरी स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइस यही आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।